चार्ली बड़ी मुसीबत में है। कल सुबह 11 बजे उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा क्या बुरा होने वाला है चार्ली के साथ? विनाश आने वाला है। वो ये नोट छोड़ गया कि कल 11 बजे आएगा। ओफो, लगता है चार्ली पागल हो गया है। वो फिल्म का विलेन विनाश असली जिंदगी में कैसे आ सकता है? इसीलिए हमें चार्ली के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा वैसा बॉडीगार्ड नहीं चलेगा। ऐसा तो बस एक ही बच्चा है, माइटी। हाँ, माइटी। सही कह रही है। हाँ हाँ, हमें माइटी को ढूंढना चाहिए। हाँ, माइटी को ढूंढने में मजा आएगा, जैसे हम कोई ट्रेजर हंट खेल रहे हैं। चार्ली ने तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सारे बच्चे सिर्फ माइटी को ढूंढने में लगे हैं। मुझे ये सब रोकना होगा। लगता है उस विनाश ने दूसरा मैसेज भेजा है। ओ नहीं, ये तो माइटी ने भेजा है। मैं तुम्हारे घर कल सुबह 11 बजे आऊंगा। यस यस यस। आखिर तुम आ गए। अब उन कॉकरोचेस को मेरे घर से, सारे शहर से निकाल दो। माइटी, मैं समझा विनाश मुझे मारने आया है। मुझे बचा लो माइटी, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। खिलौने, मिठाई, चॉकलेट, किताबें, जो भी। देखो, वो आ गया। अगर इस कहानी को खत्म करना है तो मुझे इस ड्रामे को ऐसे ही चालू रखना होगा। देखो, वो हमारी तरफ आ रहा है। भागो! तो ये कोई विनाश नहीं, पेस्ट कंट्रोल वाला है। लगता है चार्ली की मम्मी ने इसे कॉकरोच मारने के लिए बुलाया होगा। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लगता है मुझे कोई और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। थैंक यू माइटी। आज तुम नहीं होते तो बॉस का जाने क्या होता। आखिर माइटी ने विनाश से छुटकारा दिला ही दिया और कॉकरोचेस से भी। खेलो और प्राइज घर ले जाओ। आओ आओ, सब लोग आओ। मुझे तीन रिंग्स देना। राजू, क्यों यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? तुम वहाँ जाकर कुछ बच्चों वाले राइड्स क्यों नहीं खेलते? बच्चों, तुम्हें तीन रिंग्स खेलने का मौका मिलेगा। जो चीज तुम्हें पसंद आए उस पर इस रिंग से निशाना लगाओ। अगर ये रिंग पूरी तरह उस चीज पर गिरी, वो चीज तुम्हारी। ये लो।
शुरू हो जाओ। मारो ताकि उसका निशाना चूक जाए। अगर वो जीत गया तो हमें वीडियो गेम जीतने का मौका नहीं मिलेगा। काले हाथ उसके पोस्टर पर क्या कमाल करते हैं। कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। देखने का मजा ही कुछ और होता। मुझे लगता है इस बारे में चीकी से बात करनी चाहिए। हमें अपने पोस्टर्स की फोटो लेनी चाहिए। आज डैडी ने मुझे फोटो खींचने के लिए अपना मोबाइल भी दिया है। सुना है इस साल स्कूल ने कोई सरप्राइज एक्ट भी रखा है। सच, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। क्या होगा ये सरप्राइज? इस दिन की मीठी शुरुआत इन मीठी चॉकलेट्स के साथ करते हैं। टोकरे टोकरे बच्चों में ये चॉकलेट्स बांट दो। अच्छा बच्चों, अब हम कुछ गेम्स खेलेंगे और जीतने वाले को प्राइजेस भी मिलेंगे। सोनू, मोनू, ध्रुव और सागर, तुम चार्ली की टीम में। जूली, गोपी, हीशा और आरुष, तुम राजू की टीम में। बाकी सारे बच्चे दोनों टीम्स को चेयर करेंगे। पहला गेम है नाचते नाचते रुकना। जब म्यूजिक बजेगा तो दोनों टीम्स नाचना शुरू करेंगी और जैसे ही म्यूजिक रुकेगा तो सारे बच्चे जहाँ हैं वहीं पुतले की तरह बिना हिले डुले खड़े हो जाएंगे। म्यूजिक फिर से शुरू होने के पहले जिस टीम का बच्चा हिलेगा तो दूसरी टीम को पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं इतनी देर तक पैर को हवा में रोके नहीं रख सकता। आहा, सुनो तुम हिले, इसलिए राजू की टीम ये राउंड जीतती है। म्यूजिक फिर से शुरू करो। इस गेम का नाम है अपना झंडा ले जाओ। जब मैं सीटी बजाऊं तो दोनों टीम से एक बच्चा आगे आएगा और इस झंडे को ले जाने की कोशिश करेगा। चलो शुरू करते हैं। Thank you.
फिर से दोनों टीम्स के बीच टाई हो चुका है। अब ये राउंड ही फैसला करेगा कि कौन जीतेगा। राजू अब तो मैं ही जीतूंगा। अरे चार्ली तुम्हारे लेस तो खुले हुए हैं। शुक्रिया। और इसी के साथ राजू की टीम जी।